सफलता में आपके पास क्षमता हो, संसाधन हो, सब हो, लेकिन आत्मविश्वास न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटे आपने, और देश के सीन बच्चों ने मुझे बताया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, 100 के करीब भाषाएं हैं, 1700 से ज्यादा करीब करीब डायलेक्ट्स हैं, इतनी विविधताओं से भरा देश है। लेकिन मेरी मर्यादा है, मुझे देश की इतनी भाषाएं नहीं आती हैं। मैं बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज मुझे ऑनलाइन या टीवी पर या अपने क्लासरूम में देखते होंगे, सुनते होंगे, मैं उनकी भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं। और इसलिए, और मैं मानता हूं उन बालकों को उनकी भाषा में बात बतानी चाहिए, लेकिन ये मेरी मर्यादा है, मैं तमिल नहीं बोल पाता, मलयालम नहीं बोल पाता, कन्नड़ नहीं बोल पाता। नॉर्थ ईस्ट में जाए तो हर 25 साल के बाद एक नई लैंग्वेज, तो मैं पहले उन सभी बालकों की क्षमा चाहता हूं। और मैं सभी व्यवस्थापकों से कहूंगा कि हो सके तो इन्हीं बातों को उन उन भाषाओं में वॉइस ओवर करके अगर उन बच्चों तक पहुंचा दिया जाए, उनकी एक अच्छी सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय, कॉन्फ्रेंटेशन को लेकर बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, दो क्वेश्चन हम दे लगे हैं। कनिष्का वत्स नोएडा से है जो क्लास 10th में पढ़ती है और आपसे कुछ पूछना चाहती है। कनिष्का। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज कनिष्का वत्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फ्रॉम डी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी दादरी नोएडा। सर माय क्वेश्चन इज, इफ एनी स्टूडेंट इज विलिंग टू कंसेंट्रेट ऑन हिज अदर स्टडीज बट स्टिल गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, सो व्हाट ही और शी शुड डू टू कंसेंट्रेट मोर ऑन हिज अदर स्टडीज। थैंक यू। अगर पढ़ाई से ध्यान कहीं और बढ़ता है तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन से संबंधित सवाल है प्रणव व्यास का, जो कि PHUC है।